गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, हम लोग बोर्ड परीक्षा के एग्जाम को देखते हुए बिलियन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे उनको डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुण के बारे में पढ़ा था। और बिलियन के अणुसंख्य गुण कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिलियन के अणुसंख्य गुण कौन है और कौन नहीं होता है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। और इन सभी पे मैंने एक-एक क्वेश्चन भी करवाया था और ये भी बोला था कि आप लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए इन सब फॉर्मूलों पे। और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपसामान्य अणुभार या एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट। बच्चों, वह पदार्थ जो बिलियन में क्या होते हैं, संगुणित होते हैं, तो उनके अणुभार क्या है, सामान्य से अधिक हो जाते हैं, तथा जब उनका क्या होता है, वियोजन होता है, तो उनके अणुभार में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त अणुभार को क्या कहते हैं, अपसामान्य अणुभार कहते हैं। तो बच्चों, अपसामान्य अणुभार क्या है? वे पदार्थ जो बिलियन में संगठित होते हैं, मतलब वो मिलके एक हो जाते हैं, तो उनका अणुभार क्या है, सामान्य से अधिक हो जाता है। और जब उनका क्या, वियोजन हो जाता है, वियोजन का मतलब वो टूट जाते हैं, तो उनके अणुभार में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त अणुभार को क्या कहते हैं, अपसामान्य अणुभार कहते हैं। तो बच्चों, बिलियन के अणुसंख्य गुण विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि बिलियन के अणुसंख्य गुण किस पे डिपेंड करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तथा विलेय के कणों की संख्या जो होती है वो संगुणन व वियोजन पर निर्भर करता है। और विलेय के कणों की संख्या किस पर निर्भर करती है बच्चों? आप लोग देख रहे होंगे, संगुणन व वियोजन पर निर्भर करता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि विलेय के अणुओं का संयोजन कैसे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो बच्चों, बिलियन में क्या होता है, विलेय के दो या दो से अधिक अणु आपस में संगुणित होकर क्या करते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसे अणुओं का संयोजन कहा जाता है। संयोजन का मतलब होता है उनका मिलना। तो जब बिलियन में विलेय के दो या दो से अधिक अणु आपस में संगुणित होकर एक हो जाते हैं, तो उसे अणुओं का संयोजन कहा जाता है। इससे उसका क्या होता है, अणुभार। इससे विलेय का क्या होता है बच्चों, अणु द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन अणु संख्या गुण घट जाता है। अणु संख्या गुण घट क्यों जाता है बच्चों? क्योंकि वो उनके अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए अणु संख्या गुण का मान घट जाता है, क्योंकि अणुभार उनका बढ़ रहा होता है जब उनका संयोजन होता है। बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? अभी तक हमने बताया था कि विलेय के कणों का संयोजन क्या होता है। अब हम बताएंगे बच्चों, विलेय के कणों का वियोजन। वियोजन का मतलब होता है उनका टूटना। तो जब किसी विलयन में एक ही विद्युत अपघट्य पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसे विलेय के कणों का वियोजन कहा जाता है। वियोजन का मतलब होता है क्या, कि जब किसी बिलियन में एक ही विद्युत अपघट्य पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसे विलेय के कणों का वियोजन कहा जाता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, और संयोजन का मतलब होता है ढेर सारे अणु मिलके एक बड़ा अणु या मॉलिक्यूल बना दे। तो बच्चों, वियोजन के पश्चात क्या होता है? अगर ये टूट जा रहा है अपने आयनों में, तो इनका अणुभार घट जाता है, और अणुभार अगर घट जाएगा तो अणु संख्या गुण का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे NaCl है तो ये टूट जाता है Na+ और Cl- में। NaCl का मॉलिकुलर वेट ज्यादा होता है, जब ये अपने आयनों में टूट जाता है तो इनका जो अणु भार होता है वो घट जाता है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा बच्चों कि अब सामान्य अणु भार किसे कहते हैं। अब आप लोग पढ़ोगे कि वान थाप गुणांक किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के रूप में पूछा गया है, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो बच्चों वान थाप फैक्टर या वान थाप गुणांक क्या होता है? अणु संख्यक गुण के प्रेक्षित वा अणु संख्यक गुण के सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं? वान थाप गुणांक। तो वान थाप गुणांक को हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अणु संख्यक गुण के प्रेक्षित मान तथा अणु संख्यक गुण के सामान्य मान को क्या कहते हैं? वान थाप गुणांक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कणों का वास्तविक मान बटे कणों का सामान्य मान, ये वान थाप गुणांक कहलाता है। या हम क्या कह सकते हैं? वान थाप गुणांक आई बराबर क्या होता है? वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे कणों का सामान्य मान। बच्चों एक नॉर्मल विलयन जैसे ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, सुक्रोज हुआ, इन सब के लिए वान थाप गुणांक 1 होता है। अगर कोई पदार्थ क्या है, एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब ढेर सारे अणु मिलके एक सिंगल अणु बना रहे हैं, तो जो है आई का मान जो है 1 से कम हो जाता है। और जब कोई मॉलिक्यूल क्या होता है, वो अपने आयनों में टूट जाता है तो उसे डिसोसिएशन कहते हैं। जब टूटता है तो आई की वैल्यू बढ़ जाती है। और बच्चों प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए वान थाप गुणांक कितना होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। तो बच्चों अभी तक आपने वान थाप गुणांक को देखा है, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि वान थाप गुणांक क्या होता है। वान थाप गुणांक का मतलब होता है कि अणु संख्यक गुण के प्रेक्षित मान और अणु संख्यक गुण के सामान्य मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वान थाप गुणांक कहते हैं। तो बच्चों वान थाप के आधार पर संयोजन की मात्रा एवं वियोजन की मात्रा की गणना आप कैसे करोगे? तो पहले हम संयोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों किसी पदार्थ के अणुओं का वह अंश जो संयोजित होता है संयोजन की मात्रा कहलाती है। संयोजन की मात्रा क्या है बच्चों? किसी पदार्थ के अणुओं का वह अंश जो संयोजित होता है संयोजन की मात्रा कहलाती है। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तब संयोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटे प्रारंभिक मोलों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा बराबर तब संयोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटे प्रारंभिक मोलों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखो कि Na है, तो ये संयोजन के बाद क्या हो जाएगा? A का होल n हो जाएगा। तो संयोजन की मात्रा कैसे निकलेगी? अल्फा बराबर आई माइनस वन अपॉन 1/n-1। और वियोजन की मात्रा क्या है? वियोजन की मात्रा कैसे निकालोगे? ए का पावर एन है तो वो टूट जाएगा किसमें? एन ए में। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर इस फॉर्मूले से निकलेगी i-1/n-1। अब हम बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम घोलने पर विलयन का प्रसरण दाब, यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतया वियोजित हो जाता है। चूंकि ये बोल रहा है K2SO4 ये पूर्णतया वियोजित हो जाता है। जब ये बच्चों पूर्णतया वियोजित हो जाएगा तो I बराबर कितना हो जाएगा? 2, 1, 3। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो चूंकि हमको क्या निकालना है? प्रसरण दाब पाई बराबर ICRT। सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी को हम लिख सकते हैं बच्चों N/V। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? IN/BRT। अब N बराबर क्या होता है? मोल होता है। तो W/M। W कितना है बच्चों? 25 मिलीग्राम। जब इसको ग्राम में चेंज करोगे तो
डब्ल्यू कितना दिया है बच्चों? 25 मिलीग्राम। जब आप इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 0.025 ग्राम आ जाएगा, और इसका मॉलिकुलर वेट K2SO4 का होता है 174। अब आप इसको इसमें रखिए, पाई बराबर क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 0.025/174। आर गैस स्थिरांक है, इसकी वैल्यू 0.082 होती है। टी टेम्परेचर है, चूंकि डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 में 27 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो इसमें आप 300 पुट कर दो। इसके बाद वैल्यूम क्या है? वैल्यूम लीटर में है, 2 लीटर। तो बच्चों आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5.3 × 10^2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ये बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन क्या होता है। तो बच्चों आइडियल विलयन ये वह होता है जो सांद्रता व तापमान के सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। तो आदर्श विलयन क्या होता है बच्चों? वह विलयन जो सांद्रता व तापमान के सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। तो आदर्श विलयन के लिए पीएस बराबर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बच्चों जब विलयन आदर्श होता है तो विलयन के आयतन में परिवर्तन 0 होता है और एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 होता है। और आदर्श विलयन में विलेय का क्या होता है? संयोजन या वियोजन नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। तो बच्चों आदर्श विलयन वही प्रदर्शित करते हैं जब दोनों की प्रकृति कैसी हो, जब दोनों की प्रवृत्ति ध्रुवीय हो या दोनों की प्रवृत्ति कैसी हो, अध्रुवीय हो, तभी वो आदर्श विलयन प्रदर्शित करेंगे। अगर उसमें से एक की प्रकृति ध्रुवीय और दूसरे की अध्रुवीय होगी तो उसे क्या कहेंगे? उसे अनादर्श विलयन कहेंगे। बच्चों ये एक ग्राफ है आदर्श विलयन का। ये मोल प्रभास वाली एक्सिस है, एक्स से डिनोट किया है मोल प्रभास को, और एक्स ए बराबर यहाँ पे क्या है? 1, और एक्स बी 0 है। और आगे बढ़ने पर एक्स बी 1 हो जाता है और एक्स ए क्या हो जाता है? 0। और ये वाली एक्सिस प्रेशर एक्सिस है, तो यहाँ पे पी ए माना है, ये पी बी माना है। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो पी एस मिलेगा। पी एस बराबर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो बच्चों ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। तो बच्चों आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो तापमान और सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। बच्चों ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों कई बार पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी क्या बताया था कि वह विलयन जो तापमान और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है। अगर वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो पी ए बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी नहीं बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी के। इसी तरीके से पी एस भी बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए एंड पी नॉट बी एक्स बी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन है। आप देख रहे हैं इसमें दोनों के नेचर क्या है? दोनों के नेचर बदल गए हैं। अभी हमने क्या बताया था? आदर्श विलयन वही प्रदर्शित करते हैं जब दोनों की प्रकृति कैसी हो, जब दोनों की प्रकृति या तो ध्रुवीय हो या दोनों का नेचर कैसा हो? अध्रुवीय। अगर उसमें से एक का नेचर ध्रुवीय है और दूसरे का अध्रुवीय है तो वो अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं।
और बच्चों अनादर्स बिलियन के लिए डेल्टा बी बराबर क्या होता है? वो जीरो के बराबर नहीं होता है। इसी तरीके से डेल्टा एच बराबर भी जीरो के नहीं होता है। अब अनादर्श बिलियन जो होते हैं वो आचरण से बिलियन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों उसमें पहला टाइप क्या है? आदर्श आचरण से धनात्मक बिलियन या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर किसे कहते हैं? तो बच्चों वह बिलियन जिसमें विलायक और विलेय आकर्षण, विलायक विलेय आकर्षण से प्रबल होता है। इससे बिलियन का कुल वाष्प दाब राउल्ट नियम पर आरोपित कुल वाष्प दाब के मान से अधिक होता है। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो आदर्श आचरण से धनात्मक विचलन किसे कहते हैं? बच्चों उसे कहते हैं जिसमें विलायक और विलेय आकर्षण, विलायक विलेय आकर्षण से प्रबल होता है। इससे विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट नियम पर आरोपित कुल वाष्प दाब के मान से अधिक होता है। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें पीए क्या होगा? ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए के। उसी तरीके से पी बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। इस तरीके से क्या हो जाएगा? जो पी एस होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से और पी नॉट बी एक्स बी से, क्योंकि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये धनात्मक विचलन जब प्रदर्शित करता है तो बच्चों बी टू जो होता है वो ग्रेटर देन बी वन होता है, या हम कह सकते हैं डेल्टा बी बराबर क्या होगा? ज्यादा वाले से कम घटेगा, तो बी टू माइनस बी वन। इसी तरीके से डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा क्योंकि बी टू बड़ा है बी वन से। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं एंथैल्पी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। बच्चों जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले बिलियन होते हैं उनमें एक मध्यवर्ती संगठन होता है, जहां बिलियन का वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब अधिकतम होता है और क्वथनांक न्यूनतम होता है, इसलिए उसे निम्न क्वथनांक एजियोट्रॉप कहते हैं। तो बच्चों जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं बिलियन उसमें एक मध्यवर्ती संगठन होता है, जहां पर बिलियन का वाष्प दाब अधिकतम और क्वथनांक न्यूनतम होता है, उसे निम्न क्वथनांक एजियोट्रॉप कहते हैं। तो बच्चों आदर्श आचरण से ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं? तो बच्चों वह बिलियन जिसमें विलायक विलायक और विलेय विलेय आकर्षण क्या होता है? विलायक विलेय आकर्षण से दुर्बल होता है, जिससे बिलियन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो वह बिलियन क्या करता है? आदर्श आचरण से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। हमने क्या बताया? बिलियन का वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा आरोपित कुल वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो पी एस लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। इसी तरीके से क्या होगा? पी ए लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से और पी बी क्या होगा? लेस देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। या हम कह सकते हैं क्या और हो सकता है? डेल्टा वी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, या कह सकते हैं इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा? वो माइनस होगा। इसी तरीके से डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, या हम कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो बच्चों जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले बिलियन होते हैं इनमें भी एक मध्यवर्ती संगठन होता है। जब बिलियन का वाष्प दाब न्यूनतम हो जाता है और क्वथनांक उनका उच्चतम होता है जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो उसे उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप कहा जाता है। तो बच्चों जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ऐसे बिलियन का वाष्प दाब न्यूनतम और क्वथनांक उच्चतम होता है, इसे उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का मिश्रण। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एजियोट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर
पथनांकी मिश्रण या कांस्टेंट बॉइलिंग मिश्रण किसे कहते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन 2022 में 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो बच्चों वो मिश्रण जो पूर्णतया मिश्रण तथा बिना संगठन में परिवर्तित हुए आश्रित होते हैं और नियत ताप पर उबलते हैं उन्हें एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता है। ये मुख्यतया अनादर्श विलयन में या नॉन आइडियल सोल्यूशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर प्रदर्शित होते हैं। बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहला क्या है? न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो बच्चों वह विलयन जो आदर्श आचरण से ऋणात्मक विलयन प्रदर्शित करते हैं तथा नियत तापमान पर संगठन समान होते हैं, जहां वाष्प दाब अधिकतम और क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो उसे न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप कहा जाता है। तो बच्चों किसे न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप कहते हैं? वह विलयन जो आदर्श आचरण से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तथा नियत तापमान पर संगठन उनके समान होते हैं, जहां उनका वाष्प दाब अधिकतम और क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो उसे न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एथिल एल्कोहल और जल का मिश्रण है। तो बच्चों जो एथिल एल्कोहल है इसका क्वथनांक कितना होता है? 351 डिग्री सेल्सियस। और जो जल होता है इसका क्वथनांक होता है 373.15 डिग्री सेल्सियस। जब इनको हम मिलाते हैं तो इनके मिश्रण का क्वथनांक क्या हो जाता है? इनके मिश्रण का क्वथनांक इनके अलग अलग क्वथनांक से कम हो जाता है, इसलिए इन्हें न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो बच्चों वह विलयन जो आदर्श आचरण से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तथा निश्चित संगठन और नियत ताप पर उबलते हैं, वहां उनका वाष्प दाब न्यूनतम और क्वथनांक उच्चतम होता है, इसलिए इसे उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप कहते हैं। बच्चों आप लोग नाम से याद रखिएगा, उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप का मतलब है कि उनका क्वथनांक उच्चतम होगा और वाष्प दाब न्यूनतम। इसी तरीके से न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप नाम से याद रखिएगा कि इनका क्वथनांक न्यूनतम और वाष्प दाब अधिकतम होगा। इसके बाद अब हम बच्चों देख लेते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो बच्चों 100 ग्राम विलयन में उपस्थित एकल अवयव के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? बच्चों 100 ग्राम विलयन में उपस्थित एकल अवयव के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे? अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। या हम इसे क्या कह सकते हैं? बिलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ये दोनों मिलके बिलियन का कुल द्रव्यमान बनाएंगे। अब हम बच्चों इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बोल रहा है 8 ग्राम क्लोरीन घुली है कितने में? 400 ग्राम जल में। तो क्लोरीन का परसेंटेज बाई मास बताओ या द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो बच्चों जो प्रतिशत है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बाई मास, उसको हम कैसे निकालेंगे? हमने अभी बताया बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। चूंकि हमसे क्लोरीन का पूछ रहा है इसलिए क्लोरीन का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। पहले बिलेय का द्रव्यमान 8 और विलायक का द्रव्यमान 400 ग्राम इंटू 100। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.96% ये आपका आंसर आएगा। अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो बच्चों प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित एकल अवयव के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो बच्चों आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित
अवयव के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर होगा बिलियन में उपस्थित अवयव का आयतन बटे बिलियन का कुल आयतन इंटू 100। अब हम इस पे बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 90 ml बिलियन में 25 ml क्या है एथिल अल्कोहल, इसका आयतन प्रतिशत बताओ। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? आयतन प्रतिशत निकालेंगे कैसे बिलियन में उपस्थित अवयव का आयतन? तो 25 ml ऊपर रहेगा बटे बिलियन का कुल आयतन कितना? 90 ml है बिलियन, इंटू 100 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 27.7%, ये आपका आंसर होगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो बच्चों प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो बच्चों विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल आयतन इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए एक हम क्वेश्चन करा देते हैं। 32 ग्राम HCl किसमें घुला हुआ है 150 ml सोलूशन में? तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत बताओ बच्चों। तो इसका हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 32 ग्राम, और बिलियन का कुल आयतन कितना है 150 ml इंटू 100 करेंगे। तो ये निकल के आएगा बच्चों 21.33%। तो बच्चों आज हमने बिलियन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे थ्योरी के रूप में चाहे क्वेश्चन के रूप में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, इसको हमने 3 लेक्चर में पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए तीनों लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, और इन सभी फार्मूलों पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।